नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओबी न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम केस पर सुनवाई कल के लिए टली, जारी रहेगी बहस। आपको बता दें, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से जुड़े INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार को जिस मसले पर सुनवाई हुई वह प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ा हुआ मामला है। बुधवार को ईडी ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया। अभी तक पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी थी और ईडी के आरोपों को निराधार बताया था। नीतीश कुमार के मंत्री बोले, भगवान शिव बिंद जाति के हैं, पुराणों में भी ऐसा लिखा है। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री ब्रिज किशोर बिंद ने भगवान शिव की जाति का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव बिंद जाति से आते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कोई गलत नहीं कहा है, या पुराणों में भी लिखा है कि भगवान शिव बिंद जाति के हैं। शाहजहांपुर से लड़की के गायब होने पर बोली प्रियंका गांधी, कब मिलेगा न्याय। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ये उन्नाव मामले जैसा ही दोहराव लग रहा है। अगर कोई महिला बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत करती है तो उसको न्याय मिलना तो दूर की बात, उसकी खुद की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं रहती है। जिस पाकिस्तानी मंत्री पर लंदन में पड़े थे अंडे, उसने बताई भारत के साथ जंग की तारीख। आपको बता दें कि बुधवार को एक सेमिनार में पाकिस्तानी मंत्री शेख रशीद ने कहा कि मैं अक्टूबर नवंबर में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता देख रहा हूं और आज यहां पर कौम को तैयार करने के लिए आया हूं। शेख रशीद ने आगे कहा कि पाकिस्तानी सेना के पास जो हथियार हैं वो दिखाने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए हैं। आप सांसद संजय सिंह का दावा, हमारे संपर्क में बीजेपी के तीनों CM उम्मीदवार। आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी नकली एजेंडे पर काम कर रही है, आर्थिक मंदी से निपटने की बात न हो इसलिए नाम बदलने जैसी मुद्दे, नकली मुद्दे बीजेपी उठाती है। कश्मीर मसले पर इमरान खान के समर्थन में उतरे शाहिद अफरीदी, जल्द जाएंगे LOC। आपको बता दें, पाकिस्तानी जनता को संबोधित करते हुए इमरान खान ने अपील की थी कि पाकिस्तानी लोग कश्मीरी जनता के समर्थन में आएं और शुक्रवार को विरोध करें। अब इमरान खान की इस मुहिम में पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी भी आ चुके हैं। PM नरेंद्र मोदी ने आमिर खान के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए क्या लिखा, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर आमिर खान सामाजिक मुद्दे पर खुलकर अपने विचार सामने रखते हैं। हाल ही में आमिर खान ने प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान सामाजिक मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखते हैं। हाल ही में आमिर खान ने प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर एक ट्वीट किया था। आपको बता दें कि PM मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को खत्म करने के मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए आमिर खान का शुक्रिया। आपके प्रोत्साहित करने वाले शब्द दूसरे लोगों को इंस्पायर करके इस मूवमेंट को मजबूत बनाएंगे। आजम खान को झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। आपको बता दें कि आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा सांसद आजम खान पर चल रहे 29 मुकदमों में जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है। कश्मीर पर मोदी सरकार ने बनाया मंत्री समूह, तैयार करेंगे विकास का ब्लूप्रिंट। सूत्रों के मुताबिक, आपको बताते कि कश्मीर के लिए गठित मंत्री समूह में रविशंकर प्रसाद, थावर चंद्र गहलोत, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर और धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं। RBI से और रकम चाहती थी सरकार, जलान समिति ने किया था इनकार। आपको बताते कि रिजर्व बैंक ने जलान समिति की सिफारिशों को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। हालांकि समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद यह खुलासा हुआ है कि सरकार इतनी ही रकम से संतुष्ट नहीं थी। आर्थिक सुस्ती ने अब असम के चाय उद्योग का स्वाद बिगाड़ दिया है। उत्पादन लागत बढ़ने और चाय की कीमतों में ठहराव से इस सेक्टर के लंबे समय तक फायदे में रहने पर सवाल खड़े होने लगे हैं। फिलहाल इस इंडस्ट्री के लिए कोई राहत की किरण नहीं दिख रही है। तिलमिलाहट में एयर स्पेस बंद किया तो अपना ज्यादा नुकसान करेगा पाकिस्तान। आपको बता दें कि इस बात के लिए परेशान है पाकिस्तान कि किस तरह से भारत को तंग किया जाए। वह भारत के लिए एयर स्पेस को फिर से बंद करने की धमकी दे रहा है। हालांकि सच तो यह है कि इसमें भारत से ज्यादा नुकसान खुद पाकिस्तान को ही होगा। मायावती फिर बनी बसपा अध्यक्ष, उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों का भी ऐलान किया। मायावती को एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। बसपा की राष्ट्रीय मीटिंग में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करने के साथ साथ प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान किया गया है। बंगलुरु के स्कूल में रोबोट मैम लेती हैं क्लास, बच्चे ऐसे पूछते हैं सवाल। आपको बता दें कि बंगलुरु के एक स्कूल में ईगल 2.0 नाम का एक रोबोट बच्चों की फिजिक्स की क्लास ले रहा है। रोबोट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये 2-way कम्युनिकेशन में माहिर है। ये न सिर्फ बच्चों से सवाल पूछता है बल्कि स्टूडेंट भी कभी भी इसे सवाल पूछ लेते हैं।